हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तंदूरी प्रॉन्स कबाब 3 डिफरेंट फ्लेवर के साथ। होममेड तरीके से कबाब में हम स्मोकी तंदूरी फ्लेवर ऐड करेंगे। किस तरीके से करेंगे, वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। हर एक स्टेप मैं अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्क्राइब करूँगी। पहले ही मैंने इधर ले लिया है बिग साइज का 350 ग्राम्स प्रॉन। अब इनको 3 डिवाइड में हम भाग कर लेंगे और तीनों बोल में हम अलग अलग फ्लेवर्स के साथ मैरिनेट करेंगे। पहले बोल लेके मैं मैरिनेट कर रही हूँ धनिया पत्ता की पेस्ट, नमक ऐड करूँगी, हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करूँगी और लेमन जूस। अच्छी तरीके से मिक्स करके इन फ्लेवर्स के साथ मैरिनेट करके मैं साइड पे रख दूंगी। नेक्स्ट बोल ले लूंगी, इसमें मैं ऐड करूंगी लहसुन का जूस, कुछ चॉप्ड किया हुआ लहसुन, नमक, काली मिर्ची पाउडर और मेल्टेड बटर। अगेन मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट बोल की तरफ। इसमें हम इंडियन मसाले ऐड करेंगे। पहले ले रही हूँ नमक, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तंदूरी मसाला, टोमेटो प्यूरी। अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तीनों बोल को हम रेस्ट पे रख देंगे मैरिनेशन के लिए 30 मिनट्स के लिए। फिर हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। तब तक सारे मसाले प्रॉन्स में अच्छी तरीके से मिल जाएगा और अंदर तक चला जाएगा। के बाद मैं लौट रही हूँ। इधर मैंने कुछ बड़ी साइज में कट कर लिया है टमाटो, कैप्सिकम और प्याज, और हमें जरूरत पड़ेगी कबाब स्टिक की। एक एक करके सारी कबाब बना लेंगे। अभी पहले हम स्टिक में एक प्रॉन लेंगे, उसी के साथ एक कैप्सिकम की स्लाइस, टमाटो की स्लाइस और ऑनियन की स्लाइस लगा के साइड पे रख देंगे। इसी तरीके से हर एक प्रॉन और हर एक फ्लेवर की कबाब हम एक एक करके बना लेंगे। कबाब रेडी हो चुका है। अभी गैस ऑन करके हम चढ़ा देंगे एक पैन। पैन में थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे और एक एक करके सारी कबाब्स को हम पैन में प्लेस करेंगे। लो हीट पे 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर फ्लिप करके दूसरी साइड भी 5 मिनट तक लो हीट पे हम फ्राई कर लेंगे। Thank you.
फ्राई हो चुका है, हम एक एक करके सारे कबाब निकालेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तंदूरी स्मोकी फ्लेवर कबाब्स में ऐड करने के लिए हम अभी इसको रोस्ट करेंगे लो हीट पे 2 से 3 मिनट के लिए। बोथ साइड हम फ्लिप करते हुए रोस्ट कर लेंगे। लो हीट पे रोस्ट करना पड़ेगा, वक्त आपको 2 से 3 मिनट तक लगेगा। सारे कबाब एक एक करके इसी तरीके से बना लेने के बाद हम एक पैन में ले लेंगे, बीच में एक बोल ले लेंगे। बोल में हम प्लेस करेंगे एक गरम चारकोल, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करके कवर करके रख देंगे। जो स्मोक निकलेगा इसी में 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक कबाब में अच्छे तरीके से स्मोक की फ्लेवर अंदर तक चला जाएगा और एक रेस्टोरेंट स्मेल दे देगा। मेरा आज का रेसिपी यही तक था। मैं आशा करूंगी आप लोगों को पसंद आई है वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन के साथ।